रिव्यू करने वाले जेबेल की एक्सट्रीम स्पीकर की रिव्यू, तो आप भी इसकी रिव्यू देना चाहते हो तो बिना टाइम गवाए शुरू करते हैं। जेबेल के एक्सट्रीम बहुत सारे पोर्टेबल स्पीकर्स देखे होंगे, पर ये सबसे अलग है, तो देखते हैं ये किस लिए यूज होता है। उससे पहले वेट की बात करें, 2.1 kg ग्राम है, तो बहुत ही हैवी है, उसको आप डे टू डे तो कैरी नहीं कर सकते। और इसकी बात करें स्पेस की, तो 228 सेंटीमीटर का स्पेस है, तो हर बैग में कैरी तो नहीं हो सकता। उसकी बात करें इस डिज़ाइन की, तो डिज़ाइन इसकी जो है सिलेंडर टाइप की, आप जैसे तो एकदम सिलेंडर टाइप की एक, और उसके ऊपर लाया गया है फ्लैप प्रूफ ब्लैक, जिसको ये वाटर प्रूफ कह सकते हो, इसके ऊपर फ्लैप प्रूफ लगा है, तो बहुत ही अच्छा है, हर कलर में अवेलेबल है। तो और बात करें मिला था आपको जेबेल का, देखने मिला था जेबेल का लोगो, तो इधर मिल जाता है आपको, इसको आप हॉरिजॉन्टल प्लेस कर सकते हो, क्योंकि नीचे आपको दिया गया स्टैंड जिसके आपको इसको हॉरिजॉन्टल प्लेस कर सकते हो, बहुत ही अच्छी तरीके से इसके ऊपर मोबाइल भी रख के आप कर सकते हो। और दोनों के स्पीकर के साइड में दिया गया एक जेबेल का लोगो का एक बेस, दोनों साइड में आपको बेस मिला था, आपको दिखाता हूँ, देखिए दोनों साइड में आपको जेबेल का लोगो के साथ बेस मिला था, बहुत ही अच्छा एकदम, और आप देख सकते हो। और नीचे मिलती है आपको एक जिप, जिधर आपको जैसे आप खोलोगे इसके अंदर आपको बहुत सारे कुछ पोर्टेबल से कुछ मिलेंगे। तो आपको जिप के अंदर मिलता है एक चार्जिंग स्लॉट, आप देख सकते हो चार्जिंग स्लॉट, एक यूएसबी स्लॉट, और यहाँ पर मिलता है हेडफोन जैक, और इधर मिलता है आपको मेमोरी स्लॉट। तो इधर आप चार्जिंग लगा सकते हो, इधर आप मेमोरी कार्ड या तो आप मोबाइल को चार्ज कर सकते हो इसमें से, क्योंकि इधर आपको पोर्टेबल भी मिल जाता है इसके अंदर, जैसे आप अपना मोबाइल चार्ज कर सकते हो। इधर मिलता है हेडफोन जैक, अपना हेडफोन लगा के आप भी सुन सकते हो। यहाँ पर मिलता है मेमोरी कार्ड, तो मेमोरी कार्ड लगा के भी अच्छे तरीके से सुन सकते हो। तो जिससे इसके वाटर प्रूफ पानी अंदर तो किधर से भी नहीं जाने वाला। और आपको कुछ बटन मिल जाते हैं, जैसे कि ऑन ऑफ का बटन, और डिसकनेक्ट कनेक्ट करने का ब्लूटूथ, डिसकनेक्ट करने का बटन, और इधर मिलता है दो बटन जैसे कि आपको वॉल्यूम अप एंड डाउन कर सकते हो कम ज़्यादा, और इधर मिलता है आपको कॉल रिसीव और पॉज करने का बटन, आपको मिलता है ब्लूटूथ ऑन का बटन। और आगे देखते क्या मिलता है आपको साथ में, अंदर आपको मिलता है टेक्सटाइल रिस्पॉन्स, जिसको उसको प्रेस करना बहुत ही आसान है। स्पीकर के ऊपर से मिलता है आपको एक हुक, मेटल का हुक, जिसकी वजह से अब इसको एक स्ट्रैप मिलती है, इसको उसको लगा के आप बड़ी आसानी से इसको कैरी कर सकते हो। इनकी बात करें डिज़ाइन बहुत ही अच्छी है इसकी, और इसके ऊपर फ्लैश प्रूफ जो दिया है उसका डिज़ाइन का मतलब है कि इसको आप बारिश में भी ले जा सकते हो। और JBL कहता है कि इसको आप पानी के अंदर डुबो के धो सकते हो, पर इसको हम पानी के अंदर डाल नहीं सकते। खासियत है कि इसको आप स्पीकर फोन के अंदर भी यूज़ कर सकते हो, क्योंकि इसके अंदर इनबिल्ट माइक्रोफोन है, तो आप सब फोन सब कॉल को रिसीव कर सकते हो। मिलता है एक बैटरी बैकअप, तो बैटरी की बात करें बैटरी बैकअप बहुत ही अच्छा है, 10,000 mAh बैटरी, मतलब आप उसको यूज़ करते करते आप उस फोन को भी चार्ज कर सकते हो बड़ी आसानी से। JBL कंपनी का एक ये एक्सट्रीम बड़ा पोर्टेबल स्पीकर है। इसकी कुछ साउंड टेस्टिंग देखते हैं, और उसको आपको ऑन करना है तो उसके लिए आपको ऑन ऑफ के बटन को 5 सेकंड प्रेस करना पड़ेगा। 5 सेकंड प्रेस करने के बाद उसके अंदर बहुत ही अच्छी साउंड आएगी, आपको सुना के दिखाता हूँ। इसको 5 सेकंड प्रेस करता हूँ, जैसे कि आपने सुना बहुत ही अच्छी साउंड आई है। अभी इसको हम दूसरे फोन से कनेक्ट करके इसकी साउंड और इसकी बेस देखते हैं कैसी इसकी क्वालिटी है। तो चले चलते हैं। तो ब्लूटूथ कनेक्ट से कहने पहले से आपको बता रहा हूँ, जो इधर मैंने बोला था कि जो बैटरी बैकअप का लाइट जलता है वो मैं बता दूँ, लाइट ऑन होता है तो 4-5 लाइट ऑन होता है, अभी 4 लाइट ऑन है, मतलब 20% खत्म हो चुका है, मतलब अभी 80% बाकी है, क्योंकि इधर बैटरी बैकअप का वो बताता है कि बैटरी आपका कितना परसेंटेज बाकी है, अभी 80% बाकी है, मतलब 20-20 एक समझ लीजिए, तो इधर 100 था, अभी 80% हो चुका है। तो अभी चले हम अपना फोन कनेक्ट करके देखते हैं इसकी, इसको आप पार्टी में भी यूज़ कर सकते हो बड़ी आसानी से। ब्लूटूथ ऑन करना है आपको, कनेक्ट करना आपको, जैसे स्ट्रीम लिखा हुआ उस पर कनेक्ट करोगे तो आपका कुछ आवाज साउंड आएगा, तो मतलब आपको समझ लेना कनेक्ट हो गया। तो फटाफट अपना साउंड ऑन करते हैं। तो अभी हम लोग ने ऑन कर दिया है, तो इसकी तो अगर आपको अपनी स्पीकर की भी आवाज जो बढ़ानी है तो उसको आपको प्रेस करके रखना पड़ेगा। तो ये वार्निंग देगा, अभी आवाज फुल हो चुकी है, तो अभी अपने आवाज को फुल कर लेते हैं हम लोग।
बोला कि इस बटन से पॉज होता है, इसको पॉज करके दिखाता हूँ आपको। जैसे कि मैंने देखो बटन दबाया वैसे ही यहाँ पर पॉज हो चुका है, तो अभी वापस रिसीव करना है तो वापस इसको दबाना पड़ेगा। तो देखिए वापस चल हो जाएगा, तभी तो बेस दिखाता हूँ इसका साउंड और बेस। आपने इसका बेस देखा, बेस तो बहुत ही अच्छा बाउंस हो रहा है बड़े अच्छे से। तो यहाँ पर आपको बेस देखना है तो बेस देखिए कितना अच्छे से बाउंस हो रहा है, मतलब बहुत बेस में बहुत ही साउंड है। वीडियो में अच्छे से नहीं आ रही होगी क्योंकि वीडियो में अच्छी साउंड नहीं आ रही, जो रियलिटी में बहुत ही अच्छी साउंड आ रही है। चलिए आप इसको बेस दिखा था। साइन होती है अपने फोन को चार्ज करना है, जैसे कि मैंने बोला उसके अंदर पावर पोर्टेबल मिलता है आपको, पोर्टेबल चार्जर, तो आपको उसको चार्ज करना अपने फोन को, तो कैसे करना है आपको बता देता हूँ। तो उसके लिए आपको जो मैंने बोला पीछे एक जीप आती है उसको ओपन करना है आपको। ओपन करने के बाद एक मिनट, ओपन करने के बाद आपको क्या करना है, ये जो दिख रहा है आपको ये यूएसबी स्लॉट, जो आपको दिख रहा है यूएसबी स्लॉट, उधर आपको अपना यूएसबी केबल लगाना है। तो दिखाता हूँ आपको लगा के, लगाने के लिए आपको पूरा स्क्रीन देखिए ये लगने के बाद क्या करना है आपको बता देता हूँ। इसको लगने के बाद आपको अपने फोन में आपको इसको कनेक्ट करना है। देख लीजिए अभी कितनी, देखिए अभी चार्जिंग नहीं है, अभी मैं इसको लगा के आपको चार्ज करता हूँ क्या हो रहा है कि नहीं। जैसे तो अभी इधर आपको एक सिंबल दिख रहा है इलेक्ट्रिक का, बिजली का, तो अब देखिए अभी चार्जिंग हो रहा है ये। तो स्पीकर तो बहुत ही अच्छा लगा मुझे, इसकी प्राइस बता दूँ आपको मैं तो, स्पीकर तो काफ़ी अच्छा है, क्वालिटी भी बहुत ही अच्छी है, साउंड भी बहुत ही अच्छी है, उसकी बेस भी बहुत ही अच्छा हमने जैसे ही देखा। अगर इसमें प्राइस की बात करूँ तो आप प्राइस सुनते ही शॉक हो जाएंगे। जो इसकी स्टार्टिंग है, स्टार्टिंग है इसकी, ऐसे बहुत सारे स्पीकर्स आते हैं उनकी ऐसे स्टार्टिंग है 7000 मतलब 7000, और जो इसकी प्राइस है वो है 14000 मतलब 14000, और जो एंडिंग है ऐसे स्पीकर्स की वो है 40000 तक, 40000 मतलब। तो मुझे तो इतना ही पता है, और होंगे 1 लाख होंगे शायद, तो मुझे तो सिर्फ इतना ही पता है कि इसका जो 40000 तक इसकी प्राइस है एंडिंग, और जो इसकी प्राइस है वो है 14000। अब जैसे कि सुना तो अभी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब, उसके बाद बेल आइकन आएगा उसको क्लिक करेंगे, और जैसे मैं न्यू वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन पहले आ जाए। और कमेंट करके बताओ स्पीकर कैसा लगा, और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड फैमिली के साथ।